हेलो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर आज ये रिवीजन सीरीज़ का जेई एडवांस्ड के लिए 2020 के लिए ये सेकंड लेक्चर है। रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जेई एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल केमिस्ट्री की बात की थी। टुडे वी आर टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए, ये सब क्वेश्चन आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अनबैलेंस्ड। ये आई थिंक जेई 2019 का क्वेश्चन है, बट अच्छा सवाल है, मुश्किल नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे मिलते जुलते और जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन फिर फर्दर आपसे पूछे जा सकते हैं दिस ईयर 2020। क्या है जिंक हॉट कंसनट्रेटेड एस्ट्रोजोफोर? हॉट कंसनट्रेटेड एस्ट्रोजोफोर एक ठीक ठाक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, और जिंक मेटल तो रिड्यूसिंग एजेंट होता ही है। जी बना, आर बना, एक्स बना, ठीक है। जिंक रिएक्शन करता है कंसनट्रेट एनओएच के साथ में, तो आपको ये प्रॉपर्टी अब यूज़ करनी हुई कि जिंक जो है वो एक एम्फोटेरिक मेटल है। जिंक एंड एल्यूमिनियम आर वेरी कॉमनली नोन एज एम्फोटेरिक मेटल्स। दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो पहले रिएक्शन में अगर वो एक्सियल से रिएक्शन करता तो हाइड्रोजन गैस निकलती, बट यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस आएगी तो कंसनट्रेट एस्ट्रोजोफोर के कारण। सो व्हाट इज द रिएक्शन? अगर रिएक्शन देखें तो जिंक रिएक्ट करती है कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में, तो इट फॉर्म्स ZnSO4 प्लस SO2 गैस प्लस H2O। अब कुछ पता नहीं चल पा रहा कि जी आर एक्स कौन है, इनमें से कौन सा जी है, कौन सा आर है और कौन सा एक्स है। ठीक है, जिंक की NaOH के साथ रिएक्शन कराओ। जिंक की कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2। जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन शो करता है इन इट्स कंपाउंड्स, और साथ में लिबरेट हुआ H2 गैस। अब T कौन है, Q कौन है, अभी तो मालूम नहीं पड़ पा रहा, बट G मतलब कोई इनमें से कोई कंपाउंड इन तीनों में से। जब H2S के साथ रिएक्शन करता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो फिर ये एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो SO2 तो कोई SO2 PPT बना सकता है, सल्फर का येलो वाइट PPT, ठीक है, हो सकता है, और X प्लस Y भी बन रहा है, बट नहीं, एक्चुअली ये H2S और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैटायंस का फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट टेस्ट है। फोर्थ ग्रुप में ये जिंक आयन का टेस्ट होता है, तो इसका मतलब G शुड बी दिस वन। तो G कौन? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन व्हेन रिएक्ट्स विद H2S प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिंक आयन फोर्थ ग्रुप का कैटायन है जिसकी टेस्टिंग के लिए रिएजेंट है। स्लाइटली बेसिक मीडियम में H2S मिलाते हैं, तो क्या मिलाएगा ये? जिंक सल्फाइड विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ से जिंक सल्फाइड ऑप्टेन हो गया, जो कि एक PPT है, वाइट PPT। ये एक वाइट PPT ऑप्टेन होता है, साथ ही साथ अमोनियम सल्फेट विल बी ऑप्टेन्ड प्लस H2O, ये सब मिल जाएगा। अच्छा, H2O यहाँ भी बन रहा है, वहाँ भी बन रहा है, और यहाँ पर X कॉमन आ रहा है, तो ये X रहा होगा। अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अभी भी मालूम नहीं पड़ पा रहा कि इनमें से T कौन, Q कौन एंड ऑल दैट। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द Q इज 1 इन द ग्राउंड स्टेट। अब Q कौन, Q कहाँ है, यहाँ, अब पता नहीं कौन सा है। अभी ये बॉन्ड Q यही होगा फिर, कारण अब यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर किसका बना बताएं, क्योंकि यहाँ तो एक ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और इनफैक्ट आयनिक कंपाउंड है, उसमें तो बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे नहीं, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 कह रहे हैं, तो इट मस्ट बी ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक दिस। तो ये H2 की बात कर रहे होंगे, तो क्यू इज दिस एंड टी शुड बी दिस, ये क्लियर है, और साथ में ZnSO4 का टेस्ट है, तो ये जी होना चाहिए, तो दिस इज जी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन टी इज +1। टी कहाँ है, ये रहा टी, कन्फर्म हो गया कि वो जिंक है और वो +2 में होता है, तो ये टी ही है, अब कन्फर्म हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी कई बार क्लियर होता है कि कौन से कंपाउंड को क्या रेफर किया गया है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द जिंक, तो जिंक वाला कंपाउंड जो है वो टी के बारे में है, तो टी में जिंक है, तो इसका मतलब टी शुड बी दिस, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी क्यू। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑफ द क्यू इन द ग्राउंड स्टेट इज 1। यस, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से या BBT से, दोनों से बता सकते हो, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक बात। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द जिंक इन टी इज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द जिंक इज नेवर +1। कंपाउंड्स में इट शोज द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाट इज इट, +2। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। आर इज अ वी शेप्ड मॉलिक्यूल। आर कौन था,
आर तो पता नहीं चल पा, नहीं यही होगा आर, अब तो कंफर्म हो गया एक्स कॉमन था और वो वाटर है तो आर एसओ टू है। यस एसओ टू की शेप आपको पता होती है, ये इस टाइप से एक लोन पेयर, सो इट इज अ बेंट शेप, बेंट और वी शेप, तो वी शेप यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जेड इज अ डर्टी वाइट इन कलर, डर्टी वाइट, वाइट है डर्टी वाइट, बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका मतलब दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आप पूछा जाए बच्चे कि सर कौन से चैप्टर से है, तो आई वुड से दैट दिस इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, दिस इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड खासकर ये वाला जो टेस्ट है ये जिंक आयन का मेन टेस्ट है, ग्रुप रिएजेंट फॉर द फोर्थ ग्रुप कैटायन इज H2S इन प्रेजेंट इज अ स्लाइटली बेसिक मीडियम, ताकि वो जेड कौन है मेटल सल्फाइड जिंक सल्फाइड का वाइट पीपीटी इज ऑब्टेन। तो गाइज ये क्वेश्चन था, इट इज अ गुड क्वेश्चन, सो लाइक दैट यू कैन डू। गाइज लुक एट द न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या कहा है ए टिन क्लोराइड क्यू, तो कोई टिन का क्लोराइड है, टिन के दो ही तो क्लोराइड होते हैं जो हम पढ़ते हैं SnCl2 एंड SnCl4, दीज आर द टू कॉमन क्लोराइड्स ऑफ टिन, तो क्यू अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट बैलेंस्ड, क्यू की रिएक्शन Cl- से कराई, तो बहुत कॉमन सी रिएक्शन होती है कि SnCl2 Cl- से रिएक्शन करके SnCl3- बनाता है, बट क्या पता SnCl4 हो, SnCl5- इज नॉट कॉमन बट SnCl3- कॉमनली फॉर्म्स। अच्छा Me3 के साथ रिएक्शन, Me3N के साथ रिएक्शन भी हो रही है, अब Me3 ट्राईमिथाइल मिथाइल डेरिवेटिव है अमोनिया का, ट्राईमिथाइल अमीन है, ट्राईमिथाइल अमीन एक्ट एज ए लुईस बेस, तो ये लुईस बेस है, तो नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा और एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म, तो इट इज अ लुईस एसिड एंड दिस इज अ लुईस बेस, एंड कॉमनली लुईस एसिड इज वॉट SnCl2 कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड। अच्छा साथ में SnCl2 CuCl के साथ रिएक्शन करता है और Z+Cl बनाता है, कॉपर क्लोराइड कॉपर प्लस टू में अगर होता है तो कॉपर इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर 2+ इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं वो कटायन जैसे Ag+ CO2+ Gold+3+ दे आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कॉमनली कौन है SnCl2, अब मालूम पड़ गया कि दिस क्यू शुड बी SnCl2 एंड इट शुड कन्वर्ट इनटू SnCl4, SnCl4 ये नहीं था, वरना SnCl4 CuCl2 से रिएक्शन नहीं करेगा, तो SnCl4 इज रोल्ड आउट, तो इसका मतलब क्यू कौन होना चाहिए SnCl2, ये क्यू है, प्लस Cl- ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, एंड अकॉर्डिंगली रिएक्शन विल अकर SnCl4- SnCl3- विल फॉर्म, ये एक्स बना। अच्छा एक्स इज मोनोनायन हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री, बोथ वाई एंड जेड आर न्यूट्रल, अच्छा ठीक है पिरामिडल तो होगा ये क्योंकि एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर था SnCl2, अच्छा उसके बाद क्यू इज वॉट, ये एक्स नहीं था, एक्स तो मैंने गलत लिख दिया, SnCl2 है ये, वो क्यू है ये, क्यू की रिएक्शन वापस SnCl2 की रिएक्शन किससे करवाई NME3 से, वापस ये लुईस बेस एंड दिस इज लुईस एसिड, टिन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन द वैलेंस शेल एंड इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ये एक एडक्ट बन जाएगा SnCl2 इस टाइप से Cl, और ये एक लोन पेयर और साथ में NME3, सो लाइक दैट स्ट्रक्चर विल फॉर्म, एंड स्टेरिक नंबर अब बढ़ के या कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोलते हैं हम बढ़ के 1, 2, 3, 4 हो गया, अभी तक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, अच्छा SnCl3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, टिन ये लोन पेयर Cl और ये Cl पिरामिडल, ऑफकोर्स दिस इज पिरामिडल, अच्छा SnCl2 की स्ट्रक्चर क्या होगी, Sn एक लोन पेयर और 2 क्लोरीन, तो SnCl2 में दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड इवन दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। गाइज ये स्ट्रक्चर हैं, जरूरत पड़े तो आप बना भी लें, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर, तो ट्राई मिथाइल अमीन इज अ लुईस बेस दैट डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ टिन हियर। अच्छा ये जो प्रोडक्ट बना ये वाई था, ठीक है क्यू वापस SnCl2
रिएक्ट्स विद CuCl2, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SnCl2 इज वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट कन्वर्ट्स इनटू SnCl4, सो दिस शुड बी Z प्लस CuCl. CuCl का एक वाइट पीपीटी बन जाता है. तो SnCl2 यहां से वापस से ये SnCl2 कौन था, Q, यहां भी क्या Q. तो गाइज ये था, अब ऑप्शंस पे आ जाओ. तो Q इज मोनो एनायन हैविंग द पिरामिडल ज्योमेट्री, यस इट इज अ पिरामिडल ज्योमेट्री, हालांकि ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, माइनस चार्ज ऐसे लगा दो, पिरामिडल है. बोथ Y एंड Z आर न्यूट्रल कंपाउंड, ऑफ कोर्स दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड, दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड. ऑप्शन पर इधर द सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यस दिस इज करेक्ट. There is a coordinate bond in Y. Y के अंदर coordinate bond है. Y कहाँ है? ये Y के अंदर coordinate bond है, बिल्कुल है. जब भी Lewis acid Lewis base reaction करेंगे तो there will be a coordinate bond. Lone pair will be transferred from the Lewis base to Lewis acid. This is correct. The oxidation state of the central atom in Z is +2. Z कहाँ है? ये. No, it is +4. SnCl4 में tin is +4. So this is wrong. The central atom in Z has one lone pair of electron. तो central atom नहीं, SnCl4 में कोई lone pair available नहीं है. ये भी गलत हो गया. तो guys इसका answer हो गया first and second. ये question था, ये analysis था. This question is from P block. P block कौन सा? Carbon and carbon family से. Carbon family में tin के compounds में जो important compound है वो SnCl2 and SnCl4 ही है. और लेड के कंपाउंड में PbO2 एंड PbCl2, PbCl4 आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. आप चाहें तो उसे NCERT से भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं. JEE एडवांस के सिलेबस में ये मेंशन भी होते हैं स्पेसिफिकली कि SnCl2, PbO2, PbO इस तरह के कंपाउंड्स पूछे भी जाते हैं. अच्छा यहीं पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, वो SnCl2 के बारे में है. SnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में इट हैपन्स लाइक दिस, बट हाइड्रेटेड फॉर्म में वॉट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन IIT JEE एडवांस्ड मे बी दिस ईयर. क्या पॉइंट है? अब जगह नहीं मिल रही तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, देन वी शैल टॉक. आप पहले एक बार नोट करो. क्या बात कर रहे हैं? ध्यान दो, ये जो SnCl2 है गैसियस फॉर्म में, इट इज एनहाइड्रस और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है Sn और ये एक लोन पेयर Cl और ये Cl sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट हाइड्रेटेड SnCl2 और SnCl2.2H2O इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है. सॉलिड के फॉर्म में इट एग्जिस्ट एंड इट एग्जिस्ट लाइक दिस, Sn ये लोन पेयर, Cl ये Cl, बट वाटर इज कनेक्टेड थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द वाटर OHH एंड दिस इज अगेन कनेक्टेड विद HOH. तो गाइज दिस इज द स्ट्रक्चर. यू शुड रिमेंबर कि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज डोनेटेड टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ टिन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स अ कंपाउंड लाइक दिस. सो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? Steric number of tin in this case is 1, 2, 3 and 4 and the hybridization of this tin is sp3. So, yaad rakhein, SnCl2.2H2O mein, what is the hybridization of Sn? sp3, and there is a coordinate bond between water molecule and tin and another molecule is connected through hydrogen bonding like this. So, this is how you should remember the structure of SnCl2. Note kari.